So finally, we are going out to shoot for Shireen. Starbucks हम लोग जा रहे हैं और मैंने आज ऐसा हुआ ना कि मॉर्निंग में मैं उठी एंड आई थॉट दैट इट्स अ सरप्राइज डे फॉर एवरीवन, राइट? तो आई एम गोइंग टू गिव अ सरप्राइज टू शिरीन. दो आई हैव मेंशनड इट कि मैं कुछ लेकर दूंगी उसको, लेकिन आई हैव नॉट मेंशनड दैट इट वुड बी फ्रॉम स्टारबक्स. सो वी आर गोइंग टू अ मॉल एंड लेट्स सी व्हाट ही लव्स देयर और फिर हम लोग कुछ ना कुछ तो लेंगे उसके लिए आज, क्योंकि ये सरप्राइज डे है एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग इन अ रिलेशनशिप, जब आप एक दूसरे को सरप्राइज करते हो. मान लो, मतलब मेरा एक्चुअली में 8 साल हो गए हैं रिलेशनशिप को एंड नाउ इट्स लाइक स्टिल वी गिव सरप्राइजेस टू ईच अदर. आई जस्ट लव गिविंग सरप्राइजेस एंड गिफ्ट्स टू शिवेन एंड नाउ राया इज ऑल्सो देयर, तो अब उसके लिए भी कुछ ना कुछ लेते ही रहते हैं हम लोग. तो इट्स अ अमेजिंग फीलिंग. राया का बैग रेडी हो गया है. एक्चुअली इसमें सब राया का सामान है. ये डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था बेबीज़ के लिए, बहुत अच्छा होता है उनके. इसमें गुड बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे याकुल्ट होता है बड़ों के लिए, वैसे ये कुछ है. ये बड़े लोग भी पी सकते हैं. तो अभी मौसम जैसे ख़राब चल रहा है ना, तो थोड़ा ये इस चीज़ का केयर लेना पड़ता है. फिर एक मैंने साइक्लोपाम रखा है राया के लिए, ताकि यू नो एमरजेंसी में अगर उसका कभी कुछ स्पैज़म या कुछ हो तो मैं उसे दे सकूं. और ये देखो डाइपर्स, ये वाइप्स है, ये फिर डाइपर है. मतलब मेरे बैग में आपको, वाह थैंक यू सो मच, पैसा भी मिल गया मुझे. और क्या है, मैंने कार्ड्स वार्ड्स ले लिया है. मेरा कार्ड का सिर्फ इतना ही, सोचो मेरा सिर्फ इतना ही पैकेट है, बाकी सब राया का है. सो वी आर जस्ट रेडी टू गो. ओके, शिवेन और मेरी कुछ ज्ञान की बातें चल रही थी, मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग में शूट कर लिया जाए. आप बोलिए गुरुजी. सो बेसिकली क्या है कि ब्रूस ली का इंटरव्यू देख रहे हैं ना, तो उसमें ब्रूस ली ने बोला कि टू बी ऑनेस्ट इन फ्रंट ऑफ एनी पर्सन इज द मोस्ट डिफिकल्ट. मतलब को जाने दो बेचारा. देखो इसका मतलब समझ में आया क्या है? क्या कहना चाह रहा हूँ देखो यार, मतलब टू बी ऑनेस्ट ऑफ योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अनदर पर्सन, मतलब कि तुम सामने जो बंदा है ना उसके सामने कितने ऑनेस्ट हो. अभी जैसे हम व्लॉग बना रहे हैं, तो ये मेरी ऑनेस्टी नहीं है टू बी फ्रैंक. मतलब हम यहाँ पे कहीं ना कहीं अपना जो पर्सनैलिटी जो एक्चुअल है वो मॉडिफाई कर दिया, बोलने का ढंग हमने बदल दिया. ऐसे तो नहीं हम घर पे बोलते. ये बहुत है, अगर हम वही चीज जो होता है ना, अब कैमरा कॉन्शियस हो गए ना, तो मेरा जो बिहेवियर है बहुत ही ज्यादा, ईगो नहीं बोलेंगे इसको, ईगो इज डिफरेंट है. मतलब ईगो मतलब घमंड है, या तुम बहुत ज्यादा प्रिटेंड, मतलब प्रिटेंशियसनेस है. हाँ, ये वर्ड तब भी बेटर है, लेकिन ईगो मतलब बहुत बड़ी चीज हो गई. अच्छा, मतलब वो एनवी हो गया है, ये सब चीजें हो गई, जेलिसी हो गई. मतलब आप बहुत ज्यादा ही बड़े दिखना चाह रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या हम बड़े नहीं बनना चाह रहे ना, हम तुमसे नॉर्मल बात कर रहे हैं, लेकिन बात वही कर रहे थे अभी. लेकिन जब कैमरा आया ना, तो मेरे जो इमोशनल है ना, अभी मेरा हार्ट बीट थोड़ा सा चेंज हो गया. मेरा देखने का भी, हम तुम्हें सामने देख रहे थे, अब नहीं देख रहे हैं, कॉन्शियस हो गए. जो कॉन्शियसनेस है ना एक्चुअल में, वो आने लगता है. वो अगर वो चीज वो वही बोले कि बहुत मुश्किल है कि जब तुम ऑनेस्ट हो, मतलब तुम जैसे प्रिटेंड जो एक्चुअल में हो, अगर वो कर लो ना, तो वही कॉन्शियसनेस है, वही मतलब वो तुम हो. लेकिन कोई बंदा करता ही नहीं है, कोई ये चीज है. जितने भी व्लॉग्स है ना मैं देखती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम व्लॉग्स नहीं यार, मतलब एवरी ह्यूमन, अगर आप पार्टी में भी मिलो किसी से, कोई आपको दिल की बात, अपने जो रियलिटी है वो कभी नहीं बताएगा. तो मेन चीज यही होता है, वो मतलब वो ब्रूस ली का, अगर जितने कहते ना उनके जो कोट्स है, तो मैंने बहुत पहले बताया कि उनके जो कोट्स है ना, अभी देखो हम नॉर्मल हो गए, ठीक है ना, क्योंकि अब मेरे दिमाग से तो अब नॉर्मल हो रहे हैं. लेकिन अगर वही ब्रूस ली के एक बार कोट्स है, जान तो सबसे महंगे कोट्स है, इनसे ज्यादा जो इनके कोट्स है, दैट आर द मोस्ट एक्सपेंसिव कोट्स एवर मेड इन द हिस्ट्री ऑफ सिन, मतलब सेंचुरी अगर बोला जाए ऐसे, क्योंकि हर चीज की वैल्यू है उनके बात का. वो बंदा जब भी बोलता है, क्योंकि मार्शल आर्ट्स जो होता है, या क्या कहते हैं शॉलिन जो बोलते हैं, शॉलिन ये लोग क्या होते हैं, ये इट इज अ फॉर्म ऑफ, मतलब आपका एक तो फिजिकल है, लेकिन जो माइंड का माइंडसेट का खेल है, ये माइंडसेट होता है. तो उनका माइंडसेट ब्रूस ली का बहुत स्ट्रांग था, तो वो वही चीज बोला उसने कि भाई टू बी ऑनेस्ट. हमको ये बात इतनी अच्छी लगी ना,
लेकिन एक्चुअली मैं नहीं करता कोई आदमी, जब जाएगा अगर अपने माँ बाप के साथ भी जाएगा ना सामने तो बनावटी बना शुरू कर देगा कहीं ना कहीं वो है, बॉयफ्रेंड के पास जाएगा तो अलग बनावटी बना रहेगा। लोगों के आधी चीजें तो इसी में, मेरे साथ ही था ना, हम मेरी जिंदगी अगर हम बोलेंगे ना, पता नहीं ये बोलने लायक है कि नहीं, लेकिन एक्चुअल में जब से तो मिले हैं तो मतलब जब से ये कुछ दिनों से जो प्रॉपर अगर हम अपनी हीलिंग की बात करें, हम बहुत ज़्यादा फेक थे, लोगों के लिए करते थे लोग, अरे मुझे गुची की वॉच चाहिए या फिर मुझे मतलब ताज जाना है या मुझे एरोप्लेन में बैठना है, कि ये सब चीज़ें दूसरों को दिखाने के लिए था। ऐप्स भी बनानी है ना, अपने पेट में ऐप्स बनानी है, अपने लिए नहीं बनाना है, दुनिया को दिखाना कि मेरे पास ऐप्स है, ये चीज़ है, यही चीज़ इस वजह से चीज़ें वो रुकती हैं। और मेरी रुक अगर ये भी बात है तो जो रुकी भी अभी तक वो इसी वजह से रुकी कि हम अपने लिए कभी काम ही नहीं करते। तुम बोलती भी थी कि तुम अपने लिए करो, लेकिन मेरे सपने हमको हीरो बनना है हमको, लेकिन ये ज़्यादातर दिमाग में ये रहता था कि हीरो बनना है कि लोगों को जो मेरे सराउंडिंग में लोगों को बता सके, देखो यार मैं बन चुका हूँ, जो तुम लोगों ने जितना बुली किया है या जो भी चीज़ें की हैं लाइफ में, जो भी हुआ मेरे साथ या मैंने अपने दिमाग में बैठा लिया, लेकिन उनको दिखाने के लिए ज़्यादा बनना चाह रहे थे। लेकिन वो चीज़ें सच में मेडिटेशन होता है, ये सेल्फ हीलिंग जो तुम लेती हो ना, उससे बहुत ज़्यादा अभी मेरा दिमाग बहुत खुल गया है। ऐसा मतलब रहता है कि कोड्स इन लोगों के बहुत, ये लोग मतलब कहते हैं ना सच में दे आर लेजेंड्स, आप कितना भी कर लोगे लेकिन इनके, क्योंकि इन लोगों ने जिस जमाने में किया है ना, जिस समय हम लोग अब देख देख के सीख रहे हैं, उन लोगों ने इजाद किया अगर बोला। यही चीज मनाली ने भी बोला, पता है आज क्या हुआ, एक सब्सक्राइबर है मेरी मनाली करके, और उससे मेरी बात एक्चुअली में क्या हुआ, एक सेल्फ लव ग्रुप मेरा है उसमें तुम भी एडेड हो, तो उसमें तुम अगर देखोगे ना तो एक मनाली करके, अच्छा आपको लगा हमसे तुम केवल लोगों से बात कर रहे हो, नहीं तुम भी एडेड हो, हां पता है। तो उसमें ऐसा था कि उसने मुझे बोला कि कहीं उसने शायद रेवती मैम का कोई ग्रुप होगा जहाँ पे मेडिटेशन और वो क्लासेस ले रही होंगी, तो एक लड़की है जो मतलब क्लासेस लेती है मेडिटेशन की, तो वो मेरा जो होपोनोपोनो जो सबसे ज्यादा चल रहा है और लोगों को फायदे दे रहा है तो वो चलाती है क्लास में। तो मनाली से मैंने पूछा कि यार तुम मुझे बता सकती हो क्या अगर तुम मतलब कंफर्टेबल हो तो, और वो बंदी इतनी जेन्युइन है, उसने मेरे को पर्सनली मैसेज करके उसने मुझे बताया, मुझे इतना अच्छा लगा कि वो बंदी इतनी जेन्युइन है। और यही बात है यार कि आप जो कर रहे हो वो जब आप जेन्युइननेस से करते हो ना कोई चीज, तो ऑटोमेटिकली वो चीज आपकी आगे बढ़नी है, दैट इज वेरी गुड। अच्छा मैं क्यों बता रही थी, मेरे को खुद ही नहीं समझ में आया, मतलब ऐसे हमने कन्वर्सेशन किया कि क्या मतलब ऑनेस्टी क्या, मतलब लोग क्यों फेक इतना, जो कहते हैं ना रिलेशन में, मतलब हमने अपनी बात इसलिए लेकर आए कि जो कहते हैं ना टफ हो जाती लाइफ, अगर जो लाइफ जितनी टफ है ना वो इसी वजह से होती है। हाँ मैक्सिमम टाइम आपकी लाइफ टफ इसी वजह से चीज, एक चीज तो यही बोलेंगे, पता नहीं अभी मौका मिल रहा तो, और इसीलिए पता है एक चीज, पता है बुशु मैं एक चीज और ऐड करना चाह रही हूँ कि जो लोग कहते हैं ना दी बहुत डिप्रेशन है, बहुत लो फील होता है, क्यों होता है, क्योंकि आप ना बहुत जगह प्रिटेंड कर रहे हो, आपका जेन्युइननेस कहीं नहीं आ रहा है। ये एक चीज पता है तुमको, कौन सा है वो मास्क का हीरो, कौन है बे, जिम कैरी ने कहा डिप्रेशन वो है जब आप एक फॉल्स इमेज लेकर आप जी रहे हो और फिर वो फॉल्स इमेज थक जाती है कि अब मुझे नहीं करना है तुम्हारे लिए कुछ, ये चीज़, और ये क्या होता है वो आपको डिप्रेस करते चली जाती है। डिप्रेशन कुछ नहीं है, डिप्रेशन इज द एंड ऑफ फॉल्स इमेज समवे, ये तो लेकिन एक चीज, ये चीजों का ना बहुत, अगर ये अगर इन सब चीजों से निकलना है तो हमको लगता है कि हमने तो कभी होली बुक्स पढ़ी नहीं थी, लेकिन जब से भगवद गीता भी पढ़ रहे हैं शुरू किया, वो ऑल ऑफ अ सडन अगर ओपन आइमर ना देखते तो शायद हम देखते भी ना, पढ़ते भी ना, मंगाते भी ना। तो जब किलियन मर्फी लोग जो कैरेक्टर को पकड़ने के लिए भी कर सकते हैं, तो हम लोग तो नॉर्मल है, हमको पढ़ना भी चाहिए था, कभी पढ़ा नहीं, लेकिन उससे बहुत चीजें खुलती है, बहुत 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 ज्यादा, अगर चीजों को वो समझना है ना तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो कहते हैं ना फॉल्सनेस, एक्चुअली में हर जगह फॉल्सनेस है हम लोगों का, वही एक मूवी का मैट्रिक्स का कहते हैं, मैट्रिक्स मूवी जिसने नहीं देखी है एक्चुअली में देखे जाके, अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक साइंटिस्ट जो भी मतलब जो अपने कहते हैं ना ये मेंटलिस्ट हो गए या साइंटिस्ट है जो भी
न्यूरो साइंटिस्ट एक्चुअली में वर्ड नहीं आ रहा। तो न्यूरो साइंटिस्ट के हिसाब से जो मैट्रिक्स पहली वाली जो है वो 90-95% एक्यूरेट है। तो वो एक्यूरेट इन द सेंस कि मतलब जो ये चीजें है ना जो हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं या क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं या कैसे लाइफ जी रहे हैं वो प्रूव्ड है पीपल से। मतलब वन ऑफ द न्यूरो साइंटिस्ट वाज स्टेटिंग दैट कि इट इज नॉट अ मूवी, इट इज अ थ्योरी। तो अगर तुम वो देखोगे ना मैट्रिक्स तो आपके बहुत चीजें निकल जाएंगे, बहुत डाउट्स निकल जाएंगे कि ये चीजें क्या है, नथिंग इज रियल इन दिस वर्ल्ड, व्हाट इज रियल। तुम्हारे हिसाब से क्या रियल है? नथिंग इज रियल। नहीं नहीं, व्हाट इज रियल मतलब अगर रियलिटी इज इट कैन नॉट बी डिफाइंड। जब से मैंने वो बुक पढ़ी हूँ ना एवरीथिंग यू थिंक डोंट बिलीव इन एवरीथिंग यू थिंक, उसमें मेरे को एक चीज समझ में आई, हर इंसान अपनी अलग रियलिटी में जी रहा है। तो मतलब अगर तुम बोल रहे हर इंसान इल्यूजन बोल सकते हैं तो ये रियलिटी है? हाँ ये रियलिटी नहीं है लेकिन मतलब हर एक परसेप्शन मुझे लगता है रियलिटी है। अगर इसको देखो यार आई एम अ मूवी फ्रीक क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही वो है तो वो चीज पे हम नहीं बोल सकते क्योंकि हम मुझे मूवीज ही से रिलेट करते हैं। तो मेरे ख्याल से मैट्रिक्स तो देखी भी होगी उस हिसाब से, लेकिन जिसने इंसेप्शन देखा होगा तो वो तो उसपे है ना, ड्रीम्स पे है ना। सो उसपे एक सिचुएशन है जहाँ पे लियो बोलता है कि व्हाट इज रियल, ही डजंट कम आउट ऑफ दैट ड्रीम, ही सेज दिस इज माय रियलिटी। मतलब जब भी कहने का इतना सिंपल वर्ड में जो ये देख रहे हो, जो देख रहे हो, जो आप मान रहे हो वही है। अगर सपने में जो चीज चल रही है वो भी रियलिटी है, वही परसेप्शन होता है। तो एक्चुअली में परसेप्शन है, दिस इज नॉट रियल, ये मेरा अगर हम सो जाएंगे ना मेरे सपने में जो चीज आएगी वो रियलिटी है। अब ये नहीं बता सकते कि कौन सी रियलिटी है कौन सी ड्रीम है। So with this, I think आप लोगों ने काफी कुछ कॉन्वर्सेशन सुन लिया। ये शिवेन और मेरा रेगुलर कॉन्वर्सेशन होता है और इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं। थोड़ा वियर्ड होता है क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता कि ये मियाँ बीबी बीच में क्या बात करते रहते हैं। हमारे बीच में बाकी और कोई कॉन्वर्सेशन नहीं होता, या तो फिल्म के बारे में होता है, या तो भगवद गीता के बारे में होता है, या तो हम लोगों ने क्या सीखा है, कौन से इंस्पायरिंग कोट सीखे। वी आर सपोर्टिंग ईच अदर जिससे कि हम दोनों अपग्रेड कर सके अपने लाइफ में और एक बेटर वर्जन बन सके। सो दिस इज हाउ वी टॉक। तो मैंने आपको आज वो भी दिखा दिया इस ब्लॉग में। आई होप यू एंजॉयड द कॉन्वर्सेशन, अगर नॉट देन प्लीज लेट मी नो, आई नेवर इन्वॉल्व हिम अगेन। चलो बाय बाय। I wanted to know whether there are cups and tumbler with Starbucks. Do you have? Basically, we have the Starbucks card. Starbucks India. Membership card. Otherwise, we can't purchase. Basically, the offer is to free up cost. Okay. Okay. Otherwise, if I want to give someone a tumbler from your coffee tumbler, that's what I'm asking. Thank you so much. Shall we buy something for Dada? Chaya na Raya? Even this is good. Excuse me, sir. Hi, sorry. I wanted to ask you कि जो टी या कॉफी के लिए हॉट बेवरेजेस के लिए कौन सा कप बेटर रहेगा? If I have to choose for someone, no no, if I have to carry it for traveling. Traveling में आपको ये बेटर रहेगा क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील का है ना, ये गिरेगा कुछ भी होगा टूटेगा नहीं होगा इसको, मतलब आप स्क्रब भी करोगे। I am shooting your, that's okay ना? Because I am a blogger, I make blogs, I want to buy a gift for my husband. तो इसीलिए मैं पूछ रही हूँ, एंड ही इज अ टी लवर, सो आई वांट समथिंग स्पेशल फॉर हिम। ये नया वर्जन आया है राइट, दिस इज समथिंग न्यू हैज बीन एडेड राइट। और अगर मैं ये लेना चाहूँ तो फॉर टी या कॉफ़ी या कोई भी कोल्ड ड्रिंक या कुछ भी, ये हॉट एंड कोल्ड बेवरेजेस के लिए ठीक
ठीक है, बट इट्स बेटर फॉर फ्रैपचिनोज एंड कोल्ड कॉफी। ओके, देखो हॉट के लिए पर्टिकुलर, हॉट कॉफी के लिए देख रहे हो तो मग बेटर है। अच्छा, और ये नहीं बेटर रहेगा जो मुझे मैंने देखा था ऑनलाइन, दिस इज नॉट बेटर? नहीं, मुझे बस ये चाहिए कि हॉट कॉफी स्पिल ना हो, या हाँ इसमें नहीं होगा क्योंकि बेबी भी, आप कूल भी रख सकते हो हॉट भी रख सकते हो, क्योंकि ट्रैवलिंग के लिए मोस्टली हमें चाहिए। तो इज इट ओके इफ आई बाय दैट? ओके, दिस एंड अलोंग विद दिस, ये भी एक ऑप्शन है, ये भी एक ऑप्शन है, राइट? और कौन से ऑप्शन है? बाकी कुछ नहीं है ना, लिड के साथ कुछ नहीं मिलेगा ना? ये मुझे उतना नहीं पसंद आया। दिस एंड दिस, और ये भी, ये आपने देखा क्या? हाँ, ये भी एक अच्छा लगा मुझे। सो दिस, दिस इज गुड। आई जस्ट चेक विद हिम व्हाट ही वांट्स टू बाय एंड आई विल गिफ्ट हिम। थैंक यू। सो फाइनली वी हैव गॉट अ गिफ्ट। राया पहली बार आई है स्टारबक्स, एंड राया व्हाट यू लाइक यू कैन हैव, बट नॉट नाउ आफ्टर 18 ईयर्स। 18 साल बाद ही तुमको पी लेने की चाय या कॉफी? नहीं माँ, मेरा बच्चा तभी पी सकता है। राया, आर यू एंजॉयिंग इन स्टारबक्स? Shivane is waiting for the bill. For the order, not the bill. It's an open space. Say special thanks to Sanjeevni. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, ma'am. Okay, we're giving gift to Dada. Oh, you can't hold this like cake. It's your gift, Dada. This is my gift. Thank you. We'll open it at home. आज कॉफी चाय जो भी है तुम उसी में पीना। फॉर माई सेल्फ बुक मार्क। वी रीच्ड होम एंड देयर इज एन एडिशन इन आवर फैमिली। दिखाओ अपनी शक्ल। सो फाइनली आई एम जस्ट रीडिंग आउट दीज कॉमेंट्स फॉर यू गाइज, जो कि सक्सेस स्टोरी है, रिव्यूज़ है फॉर दिस। और मेरा जो डे 6 है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहा है, बिकॉज आई वॉज इन स्टारबक्स। और पहले जब हम लोग स्टारबक्स जाते थे ना, तो हम लोगों के दिमाग में ऐसा रहता था कि यार स्टारबक्स जा रहे हैं एंड ऑल दैट। दिस टाइम आई वॉज लाइक वेरी चिल आउट, और बड़ा अमेजिंग था एक्सपीरियंस। मे बी बिकॉज मेरे अंदर से फियर गायब हो रहा है और यू नो एक्सेप्टेंस बढ़ रही है ड्यू टू ho'oponopono, वो मैंने ऑब्जर्व किया। साथ ही साथ ना कुछ सक्सेस स्टोरीज आए हैं ho'oponopono की, आई वॉन्ट टू रीड इट आउट लाउड फॉर यू गाइज। तो ये है सोल हीलर। मेरी दो एयरबड्स मिसिंग हो गया था 1 month पहले, मैंने सोचा कि मिल ही जाएगा, एंड स्टार्टेड चैंटिंग ho'oponopono प्रेयर, एंड सोचा कि मिल गया एंड मैं भूल भी गई थी। मेरे पास 5 एयरबड्स है, उसमें से ही कोई यूज़ कर रही थी। फिर कल रात सेशन स्टार्ट होने के पहले हमारा लॉन्ड्री भैया आया, मेरी जो हाउस हेल्पर है उसने डोर ओपन किया, और लॉन्ड्री भैया ने बोला कि दीदी का 2 ब्लूटूथ मेरे पास है, रोज लाना भूल जाता हूँ, दीदी को बोल दीजिएगा कि कल लाऊंगा। माई सेल्फ, वो अपने आप में सोच रही है कि मैंने कल ही तो सोचा था कि शेयर करूँ, नहीं कल सोचा कि शेयर करूं, फिर सोचा कि मॉर्निंग में मिलने के बाद फोटो क्लिक करके सेंड करूंगी। थैंक यू शाइन, थैंक यू, लव यू शाइन, माय सोल सिस्टर, थैंक यू यूनिवर्स। ho'oponopono प्रेयर ये 1.5 साल से चैंट करती हूँ, किसी भी मैटर में बहुत सारा सक्सेस स्टोरीज है, एक एक करके सब शेयर करूंगी। सी दिस इज हाउ, ये देखो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ऐसे करके 1 2 3 4 5 5 है इनके पास।
ओके तो एक ये हुआ, दूसरा सक्सेस स्टोरी ये आया कि माय सक्सेस स्टोरी, सेकंड सक्सेस स्टोरी ये है जो दिसंबर में जो 10 पॉइंट शेयर किए हैं और एफर्मेशन को 4 बार बोलना था वो मैंने किए, और 1 पॉइंट विश के एफर्मेशंस थी, मेरी विश मैनिफेस्ट हुई है। मैं अपने फेवरेट सिटी देहरादून उत्तराखंड सडन प्लान बना और मैं वहाँ पर 22 दिन से रह रही हूँ और मैंने बहुत मज़ा किया और बहुत ट्रैवल किया। वाव क्या लाइफ थी मैम, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, बिलीव हो नहीं रहा है कि मैं सच में देहरादून में हूँ, बट ये सच था। आई लव यू मैम, आप कुछ एच बी कर सकते हो, अच्छा आप कुछ भी कर सकते हो। ओके ओ माय गॉड, समटाइम्स आई गेट